सुप्रभात। हमारा आज का विषय है जीवन है अनमोल, खुशी से गुजारे। खुशी जीवन की अनमोल सौगात है, लेकिन हम इसे कितना सहज पाते हैं यह हम पर ही निर्भर करता है। खुशी धरती से रिश्ते हुए उस जल की तरह होती है जो निरंतर जल के प्रवाह को बनाए रखती है, लेकिन यदि इस रिसाव को बंद कर दिया जाए तो खुशी रूपी जल का निकलना भी बंद हो जाता है। धरती में मौजूद जल की तरह ही खुशी भी हमारे अंदर ही छिपी होती है, लेकिन जीवन की व्यस्तता और उलझनों के कारण हम उसका एहसास नहीं कर पाते और अनजाने से ही उसके प्रवाह को, रिसाव को भी अवरुद्ध करते रहते हैं। खुशी जीवन की स्वाभाविकता है, लेकिन जब हम अस्वाभाविक जीवन की ओर बढ़ते हैं तो हमारी खुशी हमसे छिन जाती है। वर्तमान समय में व्यक्ति अपने जीवन में कई तरह की कृत्रिमताओं को अपनाते हुए जी रहा है और इस कारण उसके जीवन में अनेक समस्याएं पनप गई है। वह अपने व्यक्तित्व में भी कई तरह के मुखौटों का आवरण प्रतिदिन डालता है। इसके लिए झूठ, प्रपंच आदि का भी सहारा लेता है। अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए वह अन्य कई समस्याओं को भी आमंत्रण दे देता है, जिससे उसके जीवन में तनाव, चिंता आदि का आगमन हो जाता है। अच्छे विचारों, भावों के संपर्क में रहना हमारी खुशियों को बढ़ाता है और इसके लिए श्रेष्ठ साहित्य का चयन करके उसे पढ़ना, नियमित स्वाध्याय करना, पढ़ने की आदत बनाना आदि भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। पढ़ने से अच्छे विचार मिलते हैं और ये धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को सही दिशा प्रदान करते हैं। साथ ही समय समय पर हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। इसके साथ साथ सद साहित्य में मौजूद भावनात्मक व आध्यात्मिक ऊर्जाएं भी हमारा पथ प्रदर्शन करती हैं और हमें आंतरिक खुशी प्रदान करती हैं, क्योंकि इन्हें पढ़ने से हमें एक आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। खुशी प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि खुद पर भरोसा करना सीख लें, तो न केवल आप असामान्य रूप से अपनी मंजिल पा सकते हैं, बल्कि आपका विश्वास दूसरों को भी सबक देगा। अंत में हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। जिंदगी के हर पल को खुशी से बिताओ, रोने का टाइम कहाँ, सिर्फ मुस्कुराओ। चाहे ये दुनिया कहे पागल आवारा, बस याद रखना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ओम शांति।